यार पता है, मतलब फैकल्टी ऑफ लॉ ने हमें कुछ और सिखाया हो या नहीं, बट दैट वन थिंग दैट एवरी लॉ स्टूडेंट इन हेयर नोज इज बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट, यू हैव टू हसल हार्ड व्हाइल जगलिंग थ्रू न्यूमरस थिंग्स एट हैंड. First of all, meeting that 75% attendance criteria, then indulging into numerous societies with internships at hand and endeavoring to score 60% plus in exams. Oh my god. और ये सब करने के बाद साला कोई ना कोई नई अमेंडमेंट लॉ ऐसा रह जाता है जो हमें नहीं पता होता है. So once a law student, always a law student, as they rightly said. So now let me take you into my life. Though today's day is far from over, it's already 2:15. We need to sleep, we need to wake up early in the morning. Good night and good morning. I'm already ready to set out for college. Basically, आज का दिन एक 3-in-1 notebook की तरह लगने वाला है. हाँ, जो बचपन में खरीदते थे. तो सबसे पहले हम जाएंगे कॉलेज, देन आफ्टर दैट मूड कोर्ट सोसाइटी का इंट्रोडक्शन राउंड है, एंड देन टू द हाई कोर्ट. हाँ, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो चलते चलते बात करते हैं. सो दिल्ली इज बर्निंग दीज डेज, तो इसमें मुझे गाना याद आता है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही. आई स्वेट रियली बैड मैन. नहीं नहीं, मैं इस ट्रेन से नहीं जाने वाली हूँ, डोंट वरी. माई कॉलेज इज नॉट दैट फार अवे, आई स्टे इन दिल्ली इटसेल्फ, तो मेरे लिए मेट्रो इज मोर कन्वीनिएंट. मेट्रो बोर्ड करते ही मुझे अपना ऑब्सेशन याद आ जाता है विद माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे तुम लोग बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब नहीं करते. एक एक को घर से उठवा लूंगी, समझे. अच्छा चलो, माफ किया, हो तो सब अपने ही ना. सो अब ये है लॉ फैकल्टी की बिल्डिंग, LC2, उमंग भवन, एंड हम बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं. अच्छा, मेरी कौन सी क्लास है एंड किस रूम में है, लेट मी चेक. आई हैव कॉम्पिटिशन लॉज लेक्चर्स ऑन द 3rd फ्लोर. ओके, कंटिन्यूस लेक्चर्स हैं आज, तो मैम माइट हैव बीन देयर. हाँ, मैम इज ऑलरेडी देयर. शी इज रियली पंक्चुअल एंड रियली गुड एट कॉम्पिटिशन लॉ. मतलब शी इज एन एक्सपर्ट, एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस कम टू आर क्लास टू अटेंड हर लेक्चर्स. उनका क्लास तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, तो दस आई केम टू कॉलेज, नहीं तो आई माइट हैव मिस्ड फॉर टूडे, बट आना ही था. एंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द क्लास, क्योंकि क्लास में अगर क्रक्स समझ आ जाए ना, तो एग्जाम टाइम में ना मेहनत जो है आधी हो जाती है. तो ये क्लास इंपॉर्टेंट थी, तो आई केम एंड देन आई मेड सर्टेन नोट्स. फिर उसके बाद मैम ने हमें थोड़ा टाइम का ब्रेक दिया, 5-10 मिनट्स का. एंड दैट वन स्माइलिंग फेस एट कॉलेज इज अ सर्वाइवल पिल, ट्रस्ट मी ऑन दैट. यू नीड टू हैव वन. जी नहीं पाओगे यार, ऐसे नहीं जी पाओगे कॉलेज. एंड हाँ, क्लासेस खत्म हो गई, अब हम आ गए मूड कोर्ट सोसाइटी में. मूड कोर्ट सोसाइटी का आज इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग राउंड था, सो वी आर अटेंडिंग दैट. एंड हेयर मैं थोड़ा सा टायर्ड थी, बिकॉज आई स्लेप्ट लेट एट नाइट एंड फिर जल्दी उठ गई सुबह, एंड अभी इसके बाद दिन काफ़ी बचा था, बट वी गॉट डन विद दैट टू. हाँ, जिंदगी बीतती जा रही है यार. ओके, वॉट द लिफ्ट इज ऑन टाइम. मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मुझे बताना क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है. तो जब मैं 3rd फ्लोर पे होती हूँ, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे होती है. जब मैं ग्राउंड फ्लोर पे होती हूँ, लिफ्ट 3rd फ्लोर पे होती है. लाइक ऑलवेज इतना फुटेज है ना इस लिफ्ट का. एंड यू वोंट बिलीव, व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑल दैट, सडनली दिस लिफ्ट थ्रू मी आउट ऑफ इट. थ्रू मी मतलब रुक गई यार बीच में, उसने कहा इतनी बुराई कर रही है ना मेरी, अब निकल, अब तो मैं नीचे नहीं छोड़ूंगा. तो 1st फ्लोर पे मेरे को उतार दिया इसने. अब आई एम वॉकिंग थ्रू द स्टेयरकेस. अब हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पे. अब पर सही में यार बुरा बहुत लगा यार, लिफ्ट ने भी इज्जत नहीं की आज तो. अच्छा, हम निकल रहे हैं लाइब्रेरी के बाहर से, जिसको देख के मुझे तगड़े वाला फोमो हो गया, बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट 1 month लाइक फार, एंड आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग. अब इन लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ना चाहिए, बट आई एम अटेंडिंग सच एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एंड डूइंग सच इंटर्नशिप्स. आई नीड टू स्टडी. बस इन लोगों से मिलके मैं निकलती हूँ, एंड आई एम ऑलरेडी इन द रिक्शा. सो मेरे को अब पेपर 45 मिनट्स हैं टू रीच द हाई कोर्ट फ्रॉम द विश्वविद्यालय, और मेरे मेट्रो कार्ड में रिचार्ज नहीं है. लाइक ऑलवेज इट हैपेंस विद मी. हाँ, तो हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ. विश्वविद्यालय से हम जाएंगे कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से हम लोग जाएंगे मंडी हाउस की तरफ. ठीक है, तो हाँ, ये महिला वाला सेक्शन मेरे को बड़ा प्यारा लगता है यार. पिंक पिंक एंड सीट इज ऑलवेज देयर फॉर मी, बिकॉज आई एम प्रिविलेज. हाँ, दिल्ली मेट्रो में वुमेन आर प्रिविलेज टोटली. सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आप दिल्ली मेट्रो में हो. बट दैट खुशी ऑफ माइंड वॉज टेम्पररी. क्यों? बिकॉज मैं गलत मेट्रो में थी, एंड आई रियलाइज इट लेटर. एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पे मेरे दुख का एंड नहीं होता है. सब्सिक्वेंटली आई गॉट माई पीरियड्स. तो बाय चांस कश्मीरी गेट पे मेरे को एक स्टोर मिला WH Smith करके. अगर आप भी वहाँ पे कभी स्टक हो जाओ और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, वैसे होगा नहीं, मेरे साथ ही होती है सब चीज़ें, बट हो जाए तो यहाँ पे आपको इजीली सैनिटरी पैड्स मिल जाएंगे. तो इट्स अ सेवियर.
देन आफ्टर दैट हम लोग आ गए थे मंडी हाउस, यहाँ से हम जा रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ। एंड दिस ऑटो वाला ऑल्सो टुक एडवांटेज ऑफ मी बाय चार्जिंग सो मच हायर देन यूजुअल, बट ठीक है, आई वॉज गेटिंग लेट। एंड फाइनली हम हैं इन द हाई कोर्ट। ये है सुकून वाली बिल्डिंग, बड़ी प्यारी है यार। एंड ये है एस ब्लॉक, ये नया नया बना है, लाइक इसका 3 to 4 months लाइक प्रायर टू आवर विजिट ही इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था। सो व्हेन इट कम्स टू द मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेम, इट वॉज फिनोमिनल। ठीक है, वी गॉट टू सी मेनी एमिनेंट पीपल ओवर हियर। एंड सबसे प्यारी चीज अबाउट दिस हॉल वॉज देयर वॉज अ फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन, मतलब इट फेल्ट टू मी सो सूदिंग, यू नो। एंड फर्दर ये हॉल है जिसमें हमारा एक्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली थी। एंड देन विद इन अ फ्यू मिनट्स वी बिगेन विद दिस सेशन, द वेरी फर्स्ट सेशन इन विच वी गॉट टू सी एंड गॉट टू हेयर टू मेनी एमिनेंट जूरिस, जस्टिसेस एंड फिनोमिनल मीडिएटर। सो इट वॉज सच अ प्लेजर टू हेयर टू देम। एंड फर्दर एट सच प्लेसेज ना यू गेट टू कनेक्ट टू सर्टन पीपल विच यू वोंट बी एबल टू डू एट योर लॉ स्कूल। ओके, सो सर्टेन अलाइक पीपल कम टूगेदर, मीट, talk, share their point of view and a cup of coffee. Begin with the next session, we saw Justice Sikri. Matlab haan, abhi wo justice nahi hai, matlab he is the former judge of the Supreme Court. He is an eminent jurist right now. But mere muh se inke liye justice isliye nikalta hai because I have read so many judgments of his. He is such an inspiration to me. Like basically he is from law faculty itself, our alumni, and he is a gold medalist. So he has excelled in every race of life. I have a great deal of admiration for him. I really hope to meet him in person one day. Nevertheless, then we wandered around the High Court. High Court is not a place to wander around though, but it gives me a great deal of motivation to look at this building. Like you hustle in this profession for something, right? And this is that thing where you feel so privileged to enter in such a profession. And then we were really hungry, we were starving bad, thus we ordered some pasta and some burger. So yahan ka pasta, like agar kabhi bhi Kashmiri gate aao Delhi mein, to yahan pe jo pasta milta hai, mixed sauce pasta, zarur try karna, it's a must to have. I'm quite sure by now you might be thinking, yaar ye din kyun nahi khatam ho raha hai aur ye ladki kitna bolti hai yaar. I would be a great advocate one day, you know. So I am just enjoying the sight of Delhi at night. It's a sight to look at, trust me, with certain lightings, it looks so great from metro. So you know, I am just trying to enjoy my journey. Like every day is such a hustle, and you are preparing for such a hustle if you are getting into a law school. But I am quite sure you're gonna enjoy it, you're gonna love it. So finally I am back home, really exhausted to continue with my studies. So I'll try doing that in the morning tomorrow, and for now bye bye, thank you for watching.